तो बात ये है कि जब से मैं छपरा शिफ्ट हुई हूँ तो मुझे ना एक बहुत बड़ी आदत लगी है सुबह जगने की। मैं सुबह 5 बजे जगी हुई हूँ और मुझे देखो बिल्कुल मैं फ्रेश लग रही हूँ। अभी तो मैंने ब्रश वगैरह भी नहीं किया फिर भी। तो यहाँ पे आने का मतलब है कि पढ़ाई करना और सुबह जगना। तो अभी तो मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि मुझे और मेरे पापा को कॉलेज जाना है। मुझे कॉलेज जाना है और मेरे पापा को स्कूल जाना है। मम्मी यहाँ नहीं है और मेरी दोनों बहन भी यहाँ नहीं है, तो सारा काम मेरे ऊपर आ गया है। तो मैं जल्दी जल्दी से खाना बना रही ताकि मैं अपने कॉलेज जाऊँ। मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे मैं बना रही हूँ ये सब्जी और अभी आटा वगैरह सना जाएगा। और ये देखो कल मैंने थोड़ी बहुत किचन की सफाई की क्योंकि दिवाली की सफाई स्टार्ट हो गई है। मेरा ना घर बहुत पुराना है इसलिए थोड़ा गंदा गंदा सा दिख रहा होगा, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो फिर अभी मैं खाना बनाऊंगी, फिर मैं जाऊंगी फ्रेश होने। तो मैं तैयार होकर आपसे मिलती हूँ। तो फाइनली मैं कॉलेज के लिए रेडी हो गई और ये है मेरा यूनिफॉर्म। तो सब चीज़ रेडी हो गया, पापा भी रेडी हो गए, बट अभी हम वेट कर रहे हैं अपनी दूध वाली की क्योंकि वो आने वाली है। दूध लेने के बाद ही हम जाएंगे क्योंकि घर में ताला बंद रहेगा तो फिर कोई नहीं ले सकता है। अगर वो लेट करेगी तो फिर देखते हैं, किसी आंटी को हम बर्तन देके चले जाएंगे। बट अभी फ़िलहाल 5 मिनट और मैं वेट करूँगी, उसके बाद हम चलते हैं। तो फाइनली हम ट्रेन के अंदर आ गए थे और हमारे पास MST बनी हुई है तो हमें टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम बस आगे और बैठ जाते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं एकमा। हमें ट्रेन से एकमा तक ही आना रहता है और यहाँ पहुंचने के बाद कॉलेज वाली बस आती है हमें स्टेशन के पास ही लेने, तो हम यहीं बस का वेट करते हैं। हमारी कॉलेज वाली बस आ गई। तो ये है हमारा कॉलेज का बस। प्रियंका मेरा घर बहुत गंदा हो गया दिवाली का सफाई करने। मिट्टी गीला था, दाग लग जाएगा तो जल्दी कपड़ा में छूटेगा नहीं। नहीं नहीं, अच्छा और हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं कि भाई थोड़ा सा काम। विंडो सीट पे हक है हमारा, कोई मार थोड़ी लेगा। ये है हमारा कॉलेज, छोटा सा है लेकिन बहुत प्यारा है। टेढ़ा है लेकिन मेरा है। हाँ नहीं, छोटा नहीं है, बड़ा है काफी। यहाँ फाउंटेन है, कभी कभी चलता है बट अभी फिलहाल बंद है। आज कौन से क्लास में बैठना है? हम लोग का टारगेट है ना ऐसा ऐसा एक जेब सिलवाना जिसमें हम लोग चिट रख सकते हैं, है ना? मेरे भी नहीं है। प्रियंका तुम्हारे पास है? नहीं है। ओहो, हमारा पढ़ाई खत्म हो गया अभी। क्या चीज़? हमको लगा इसको जल्दी पास करने का मन है। तो अभी हमारा लंच ब्रेक हुआ है, फिर अभी हम लंच करेंगे जाके। सुबह का जल्दी वाला चीज़ होता है ना, कभी भी बिना नमक कभी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस हम खुदे मीठे ढूंढ रहे हैं सब जगह, जो मीठा लेके आएगा नहीं बताया हमको, अगर हमको दिख गया उसके लंच में। जैम मीठे में काउंट नहीं करते हम, जैम को मीठे में काउंट। यहाँ आ जाना चाहिए यार।
छुट्टी हो गई है और हम जा रहे हैं वापस घर। क्लास खाली हो गया, सब हमें छोड़ के चले गए हैं, बस मैं बची हूँ और सालिनी बची हुई है। तो अभी हम लोग खतरों के खिलाड़ी खेलने जा रहे हैं, ये पार करके स्टेशन के ऊपर चढ़ेंगे हम लोग प्लेटफॉर्म पे। सॉरी, अब हमको चढ़ा। बाप रे, अभी हम लोग जा रहे हैं बस पकड़ने के लिए। ट्रेन इतनी लेट रहती है इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि बस से बहुत जल्दी चले जाएं। ट्रेन कम से कम 3 घंटे बाद ही आएगी। अभी यहाँ पे फाइनली मैं पहुंच गई है और अभी 4:30 से भी ज़्यादा हो रहा है, मतलब 4:40 हो रहे हैं। इतनी ज़्यादा थक गई हूँ मैं और थकान के साथ खाना बनाने का मन नहीं करता, तो मैं बाहर से चाट लेके आई थी। तो अब मैं इसको एंजॉय करूँगी और मिलती हूँ मैं आपसे अगले ब्लॉग में।